रेलदेवी ऐसी है कि मतलब बच्चों बच्चों मरवा पे एक डॉक्टर में सर्जन में सब नटी जा उनके बाद उनका हार का पारा सब नजरा जो ताकत ताकि हरिकांत पते आज इन्होंने लिखा वो माता जी थी मर्जी इच्छा से आएगा उसका काम कंप्लीट हुए है माता जी। ये कौन सा स्थान है गुरुदेव माता जी का? माता का है अंबा माता का। ये शामगढ़ से कितना किलोमीटर है? ये शामगढ़ से 10 किलोमीटर है। शामगढ़ से 10 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर। अच्छा तो ये माता जी कितनी पुरानी यहाँ की? यहाँ अहिल्या बाई की समय की है। अच्छा हाँ होलकर स्टेट के जमाने से होलकर स्टेट जमाने की। हाँ बहुत पुराना मंदिर है। बहुत पुराना। अच्छा यहाँ पे कुछ कुछ चमत्कार भी हुए? बहुत। अच्छा बहुत दूर दूर का कोटा का मंदसौर का कोई क्या थी नरा दूरा दूरा थी आवे। अच्छा और रविवार आज रविवार है तो आज खूब यात्री आवे। अच्छा दिन भर शाम तक रहेगा। ज्येष्ठ महीना में यज्ञ भी और यहाँ आया के बाद में माता जी को स्थान भी मण्यो आनंद भी आयो गांव खजूरीपन में बहुत बढ़िया सेवक है। अच्छा बहुत बढ़िया आनंद मूर्ति है लोग बात माता जी की यहाँ सीधा माओ में सहयोग जो बारह गांव को सहयोग तो बहुत अच्छो काम चाली रो है। बहुत हमारे यज्ञ भी हुआ है। बहुत प्राचीन है तुलसीदास जी के जमाने की मूर्ति है। संत तुलसीदास जी के जमाने में अकबर बादशाह के शासन काल में अहिल्या बाई का मतलब क्षेत्र है ये। इस पर 100 बीघा जमीन है पुजारियों को दे रखे पूजा बदले में और पास में पश्चिम साइड के ऊपर खाल है। उस खाल में से माता जी की मूर्ति निकली है। इस खाल का नाम है देवी घाट। अब अपभ्रंश होकर के ये देवी घाट हो गया। यहाँ के आज मतलब जो है कम से 300 साल पहले पंडित जी को स्वप्न माता जी आई कि मुझे यहाँ से निकालो। मैं बहुत गहरी हूँ गाँव के लोगों को जाए कहा उन्होंने पंडित जी ने गाँव के पटेल को। पटेल ने मानी नहीं। फिर स्वप्न आया दूसरे दिन कि अगर नहीं निकालो तो मैं पूरे गाँव को बर्बाद कर दूँगी। फिर गाँव के लोग गए सबने मूर्ति निकाली वहाँ से लेके मूर्ति यहाँ लाया तो मूर्ति जब वहाँ आधा लगे मूर्ति उठी नहीं है। दो बेलों की जोड़ी से लाया तो फिर भी नहीं हिली वहाँ से खाल के किनारे से। 8 बेलों की जोड़ी से भी नहीं आई मूर्ति वहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में फिर उसे स्वप्न आया कैसे ले जाए तुमको तो मूर्ति मेरी वहाँ पर स्थापित करना मंदिर टेकरी के ऊपर। अगर मान लीजिए मैं ये पूछे तो कैसे होता कि तुम ही जिसको स्वप्न आया तुम ही मुझे उठा के ले चलो। 75 साल के वृद्ध पंडित जी अपने खंधे उठा करके मूर्ति को यहाँ टेकरी ऊपर लेके आए। वो उनको तो बाहर महसूस नहीं पूर्ण के समान मूर्ति आ गई यहाँ पर। और आज ये चमत्कारी मूर्ति है जिस संतान होने को संतान प्राप्त होती है। यहाँ पर कितने पालने बंधे हुए हैं और चमत्कारी मूर्ति है। एक तो गुजरात में अम्बा जी के स्थान और एक यहाँ पर है। यहाँ से जाने वालों को वहाँ के पूजा ने बताया आप यहाँ क्यों आए आपके मंदसौर जिले में प्रसिद्ध स्थान है अम्बा जी का। वहाँ जाके पता लगा बहुत चमत्कारी मूर्ति है ये। और जो भी इसकी आराधना इष्ट करता है उसके मनोकामना। ये खजूरीपन से कितना दूर होगा अंदाजन? 10 किलोमीटर है शामगढ़ से। शामगढ़ से 10 किलोमीटर है। हाँ। और ये मतलब पूरब साइड के ऊपर है खजूरीपन से। खजूरीपन से 1 किलोमीटर ऊपर। अच्छा पूर्वी दिशा में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हम आपको टीवी चैनल के माध्यम से इसका प्रसारण करेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। ये माता की माता बहने जिसको भी इच्छुक हो वो माता जी के दर्शन यहाँ आके कर सकते हैं। जी सर हम भी टीवी चैनल। माँ भगवती महिषासुर मर्दनी जिसने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था उसका स्थान है भगवती का। और ये वीर हनुमान पास में बैठे हुए नाथ का स्थान है। जो भी आता है उनकी मनोकामना सिद्ध होता है। बुरा से बुरा काम हो उसको ठीक कर देता है। डाकनी साकनी भूतनी पलेतनी निशासनी जो भी हो चाहे उसकी कितनी भी जड़ बीमारी वो उसको मेट देता है। अच्छा यहाँ क्या चमत्कार होता है गुरुदेव? चमत्कार ये जो पोल दिख रही है आपको। हाँ गुरुदेव इस पोल में बच्चे अगर मरने जैसा हो गया और डॉक्टर सर्जन सेवर सब नट जाते हैं उसके बाद ये माता जी नहीं नटती है। अच्छा इसकी पोल में 5 बार या 7 बार निकाल लो। हाँ। और बालक को घर ले जाओ और उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और बालक जी जाएगा मरेगा नहीं वो।
अच्छा, सब कष्ट और बीमारी सब सारी बीमारी दूर हो जाएगी। और उस बच्चे के कपड़े उतार के यहाँ रखे जाते हैं, टांग दिए जाते हैं बदन पे होते हैं जो, अच्छा फिर वो नए कपड़े पहना जाते, फिर बच्चों को ले जाए उसका नया जीवन माता जी दे देती है, यह मिल जाता है, यहाँ मिल जाता है। और एक मिट्टी ये यहाँ पे गुरुदेव, ये यहाँ पे जो खजूरी पंथ से 10 किलोमीटर दूर जो माता जी का स्थान है, इस स्थान पे क्या क्या चमत्कार होता है इस माता जी के यहाँ? चमत्कार है, आप मनुष्य बच्चे बच्ची डाकनी सागनी भूत प्रेत वो तो माता जी के वहाँ होता ही है। ये बालकों को जीवन दे देती है, जो उल्लू जो बच्चे बच्चों को गला देते हैं हड्डी गल जाती है, बीमार बच्चा रे मना उस बीमार बच्चों को यहाँ निकाल लो ठीक कर देता है, नया जीवन दे देती है माता जी यहाँ। अच्छा, यहाँ रेवी देवी माता, क्या नाम माता जी का? रेवी देवी माता है, रेवी देवी माता जी। इसके अंदर जो पोल दिखाई दे रही है, हाँ दिख रही ना गुरुदेव, इस पोल में इधर से उधर स्त्री बैठ जाएगी, इधर पुरुष बैठ जाएगा, दोनों स्त्री पुरुष होना माँ बाप, हाँ उसको इधर से निकाल के उधर दे दे और उधर से वो इधर दे देती पोल में, 5 बार निकाला और ठीक हो जाएगा बच्चा, गारंटी है। अच्छा, पक्की है, ये कपड़े यहाँ रख दिए जाते हैं, उसके ऊपर बदन पे जो कपड़े हैं वो यहाँ टांग जाओ और साथ में जाते हैं। वाह साहब गुरुदेव, हम आपको है ना डिजिटल चैनल पर आपका ये जो आपने माता जी के दर्शन कराए हैं, हम सभी भक्त गणों से निवेदन करते हैं, जो भी बच्चा दुखी है, हाँ। निर्धन स्थिति में है, बोले कौन सा भी हो, वहाँ यहाँ पे कितनी बार निकालना पड़ा गुरुदेव? 5 बार या 7 बार निकाल लो। अच्छा 7 बार निकाल लो, 7 बार निकाल लो, उसके निकाल कितने सप्ताह आना पड़ेगा? 5 इतवार 5 रविवार के दिन ही आना पड़ेगा, इतने बच्चा ठीक हो तो दिखाई देगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बात गुरुदेव, हम टीवी चैनल के माध्यम से अब आपका इसका दिखाएंगे ताकि जो भी भक्त होंगे वो यहाँ पे इस माता जी के यहाँ आएंगे, बिल्कुल, और आने के बाद दुखी जी होंगे तो उनकी इच्छा पूरी बराबर पूरी पूर्ण होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देव गुरुदेव, टीवी चैनल वाले को धन्यवाद देते हैं कि ताकि वो आए यहाँ, यहाँ आकर के आगे शूटिंग लेके ने जनता को बताए और माता जी के दर्शन करने यहाँ आए जगदम्बा के, और उनकी मनोकामना पूर्ण हो, और हम भी खूब खुश है आपसे भी, धन्य है कि आपने धन्यवाद दी कि ताकि आपको यह माता जी के यहाँ आने का अवसर मिला।